अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां मची अफरा तफरी की हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। काबुल में तो लोगों ने सबसे बड़ी विमान कंपनी का विमान ही कब्जा लिया। एयरपोर्ट पर खड़ा विमान और उसकी छत पर चढ़े हुए लोग, ऐसी तस्वीर पहले कभी देखी नहीं गई होगी। लोग प्लेन की छत पर ऐसे चढ़ गए मानो वो कोई बस हो, लेकिन ये एयरबस है जो कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी काम एयर की है। काबुल हवाई अड्डे पर लोगों ने इस एयरबस A340-313 पर कब्जा कर लिया। लोग सिर्फ प्लेन की छत पर ही नहीं चढ़े, कोई विंग पर तो कोई टायर पर भी बैठे दिखा। ये अफरा तफरी इसलिए भी मची है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट से सभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी वायुसेना के विमान पर भी लटक गए कई लोग। अफगानिस्तान से जल्द निकलने की होड़ में बदहवासी फैली है। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी वायुसेना का विमान टेक ऑफ करने से पहले धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और उस विमान पर चढ़ने के लिए उसी दिशा में दौड़ लगा रहे हैं कई बेबस मजबूर लोग। इस अफरा तफरी के बीच कई लोग तो जान जोखिम में डालकर जहाज के व्हील वाले हिस्से के ऊपर ही चढ़ गए। काबुल से हर हाल में निकलने की जद्दोजहद के बीच लोग जहाज के आगे और दाई बाई साइड यूं ही लटक गए। ये दूसरी तस्वीर भी काबुल एयरपोर्ट की ही है। देखिए कैसे विमान पर चढ़े हुए लोग अपने परिचितों को रस्सी से ऊपर खींच रहे हैं। काबुल के एयरपोर्ट पर रनवे पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि C-17 जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। अमेरिकी सेना के विमान से कई लोगों को काबुल एयरपोर्ट से ले जाकर दोहा एयरपोर्ट छोड़ा जा रहा है ताकि वो वहां से अपने अपने देशों की फ्लाइट ले सके। अफगानिस्तान की संसद पर भी तालिबानी बंदूकधारियों का कब्जा हो गया है। काबुल में दाखिल होते ही तालिबानी लड़ाकों ने हर महत्वपूर्ण इमारत और ठिकाने को कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा ये तो अभी किसी को पता नहीं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। बंदूकें, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन लिए तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान की संसद पर कब्जा कर लिया है। संसद खाली है और सीटों पर तालिबानी बेरोक टोक पसरे हुए हैं। संसद ही नहीं, फौज के टैंकों पर भी अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान के आतंकी सड़क पर टैंक लिए घूम रहे हैं। तालिबान ने काबुल के तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है। तालिबान के बंदूकधारी आतंकी खुद चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे हैं और पूरा शहर उनके नियंत्रण में है। तालिबान ने सरकारी इमारतों पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज भी उतार दिया है। तालिबानी लड़ाके रविवार को ही राष्ट्रपति पैलेस को अपने कब्जे में ले चुके थे क्योंकि इसके पहले राष्ट्रपति अशरफ घनी ने देश छोड़ दिया था। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के लिए एयरपोर्ट को ही दूतावास बना दिया। काबुल से अपने दूतावास कर्मचारियों को निकालने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया। काबुल के आसमान में चॉपर उड़ते रहे और इस तरह गोले बरसाते हुए गुजरे। बताया जा रहा है कि आसमान से चॉपर और एंटी मिसाइल सिस्टम से एहतियातन फायरिंग की जाती रही। फायरिंग की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर से कई राउंड लगाकर अमेरिकी लोगों को निकाला गया। काबुल का एयरपोर्ट ही अमेरिकी दूतावास में तब्दील हो गया। अफगानिस्तान में 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका ने अपनी फौज वापस बुलाने की घोषणा की, उसी के बाद ये अफरा तफरी मची। अमेरिकी फौज इसी महीने के आखिर तक वापस लौट जाएगी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही बुरके और हिजाब की वापसी हो गई है। विदेशी पत्रकार भी हिजाब पहने दिखने लगी हैं। तालिबान के दहशत का अंदाजा आप इस तस्वीर से खुद लगा सकते हैं। CNN इंटरनेशनल की संवाददाता क्लारिसा वॉट को भी काबुल से रिपोर्टिंग करने के दौरान हिजाब ओढ़ना पड़ा। क्लारिसा की ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें वो बिना बुरका पहने रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने से पहले की है। तालिबान के आते ही काबुल में ब्यूटी सैलून के बाहर दीवारों पर महिला मॉडलों के पोस्टरों को सफेदी से पोत दिया गया है। तालिबान ने भले ही कल बयान जारी कर महिलाओं के अधिकारों के सम्मान की बात कही है, लेकिन अफगानिस्तान के कई इलाकों में बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया है।
काबुल हवाई अड्डे पर बिगड़े हालात के मद्देनजर भारतीयों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कवायद भी प्रभावित हुई है। भारत को इंतजार है कि काबुल हवाई अड्डे पर हालात कुछ नियंत्रित हों तो जल्द से जल्द नागरिकों को वहां से निकाला जा सके। काबुल के हवाई अड्डे पर बदहवासी और अफरा तफरी का आलम है। सूत्रों के मुताबिक इसने काबुल से भारतीयों को निकालने के काम में भी अड़चन डाल दी है। सरकार का कहना है कि वो अफगानिस्तान से वापस आने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के संपर्क में है, लेकिन काबुल का हवाई स्पेस फिलहाल बंद है। काबुल हवाई अड्डे का एक हिस्सा अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। वहां से सीमित संख्या में कुछ उड़ानें संचालित हो रही हैं, लेकिन अब एयरपोर्ट के सिविल साइड पर मौजूद लोगों के सैन्य साइड वाले हिस्से में पहुंचने की खबरें आ रही हैं। इस वजह से भारतीयों को वापस लाने के अभियान में भी काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। मौजूदा हालात में काबुल के विभिन्न इलाकों में मौजूद लोगों को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की कोशिश है कि किसी तरीके से वो अपने लोगों को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचा सके, जहां से उन्हें अपने वतन लाया जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से बहुत खुश हैं पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं। तालिबान के कब्जे ने अफगानिस्तान को भले ही अराजकता की भट्टी में झोंक दिया हो, लेकिन तालिबान के समर्थक माने जाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इससे बहुत खुश दिख रहे हैं। ये खुशी उनके भाषण में भी दिखी। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी अपनी खुशी नहीं छिपा पाया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ जूनिंग ने कहा कि चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है। तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन किसी से छिपा नहीं है। अब उसका मददगार चीन भी तालिबान का स्वागत करने को बेकरार दिख रहा है। जब काबुल की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हो गया तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महज 10 दिन के भीतर अफगानिस्तान के हालात पर दूसरी बार परिषद की बैठक बुलाई। सुरक्षा परिषद की बैठक में इस बात को लेकर चिंता जताई गई कि अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हो रहे हैं, वहीं तालिबान से संयम बरतने की अपील की गई। अफगानिस्तान संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये आपात बैठक अगस्त के महीने के लिए अध्यक्ष भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने अपील की कि सभी देश अफगानिस्तान से आए लोगों को अपने यहाँ शरण दें, तालिबान अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों को पूरा करें, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान में मानवाधिकारों पर जरूर बोले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में आम लोगों के जानों माल की सलामती को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का भी आग्रह किया। तालिबान की वजह से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर सस्पेंस। फिलहाल अफगानिस्तान क्रिकेट टीम काबुल में फंसी हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने अनिश्चितताएं बढ़ा दी है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर भी सस्पेंस है। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों को छोड़कर पूरी क्रिकेट टीम काबुल में फंसी है। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी अनिश्चितता है। भारत में होने वाली अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी रद्द हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ सितंबर में श्रीलंका में होने वाली अफगानिस्तान की सीरीज भी खतरे में है। हालांकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड आश्वस्त कर रहा है कि वे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान के सभी क्रिकेट स्टेडियम पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान के डर से अफगानिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे लोग विमान के पहियों तक से लटकने को तैयार हैं। ऐसी ही एक घटना में 3 लोगों की मौत हुई और ये घटना कैमरों में कैद भी हुई। काबुल के एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ान भर रहा है और देखिए कुछ नीचे गिरता है। दरअसल ये गिरते इंसान हैं। दावा किया जा रहा है कि 3 लोग जो देश छोड़ने के लिए प्लेन के पहिए से लटक गए थे, वो प्लेन जब उड़ा तो नीचे गिर गए और एक घर की छत पर गिरकर 3 की मौत हो गई। अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया हैरान है, साथ ही इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए मची भीड़ पर चली गोलियां, कई लोगों की मौत हुई। दूर से ये तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। काबुल एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है और लोग भाग रहे हैं।
फायरिंग की आवाज आ रही है। आरोप है कि ये फायरिंग अमेरिकी सेना के जवानों ने की, क्योंकि कई लोग घर जाने की मारामारी में रनवे तक आ गए थे। फायरिंग के बाद लोगों की लाशों की और घायलों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन फिलहाल काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना ने नहीं छोड़ा है। अफगानिस्तान में अपने फंसे लोगों को निकालने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक भी यहाँ भेजे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भारत के भी नागरिक अफगानिस्तान में खराब हो रही स्थिति के बीच फंस गए, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट पर बन गए हैं डरावने हालात। देश छोड़कर भाग रहे लोगों में प्लेन पर चढ़ने को लेकर मारामारी मची है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें पूरे दुनिया को हैरान कर रही हैं। अपना देश अफगानिस्तान छोड़ने के लिए देखिए यहाँ कैसे प्लेन में चढ़ने के लिए भगदड़ मची है। ऐसा मंजर है जैसे ट्रेन या बस में चढ़ने के लिए मारामारी हो रही हो। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ये हालात पैदा हुए हैं। हालात बिगड़ने की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एयरपोर्ट पर किसी बस स्टेशन की तरह भीड़ हो रही है। लोगों को जहाँ जगह मिल रही है वे चढ़ रहे हैं। कई लोग बिना लगेज के ही भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में लोगों की ये हालत बता रही है कि कैसे आम लोगों को मरने के लिए पहले अमेरिका ने छोड़ा और फिर यहाँ के सरकार के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए। अफगानिस्तान और उसकी सेना को मजबूत करने के लिए दुनिया के कई देशों ने आधुनिक हथियार दिए थे, मगर बिना लड़ाई अफगान सेना के सरेंडर से अब ये तमाम आधुनिक हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए। जहां नजर दौड़ाएंगे हथियार ही हथियार, सारे के सारे अत्याधुनिक हथियार। काबुल पर कब्जा करने के साथ ही हथियारों का ये बड़ा जखीरा तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये वो हथियार और उपकरण हैं जो कि अमेरिकी सेना की तरफ से अफगानिस्तान की फौज को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही अब इन हथियारों के मालिक हो गए हैं तालिबान। अब तालिबान इन हथियारों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि तालिबानी लड़ाके अब जिन अमेरिकी हथियारों को शान से कैमरों के आगे लहरा रहे हैं, वो हथियार दरअसल अफगान सेना को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ही दिए गए थे। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अमेरिकी आधुनिक हथियारों के साथ लैस तालिबान दुनिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा, तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर को मिल सकती है अफगानिस्तान की कमान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबान ने इस तरह कुरान पढ़कर कब्जा किया। इन तस्वीरों से पहले ही खबर आई थी कि कैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी चुपके से ही देश छोड़कर चले गए। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कंप्यूटर पर पूरे हालात देख रहा था। तालिबान ने कब्जा करते ही अपनी मनमानी भी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की जेलों से खूंखार कैदियों को रिहा कर दिया गया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान के नेता कह रहे हैं कि हालात बिगड़ेंगे नहीं, सबको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं वो बता रही हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ गुस्सा। ट्रंप समेत विपक्ष बाइडेन सरकार को ठहरा रहा है जिम्मेदार। देखिए कैसे वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बाइडेन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान के हालातों पर कहा है, अमेरिका अनंत काल तक अफगानिस्तान में नहीं रह सकता। अगर अफगानी फौज ने लड़ाई नहीं लड़ी तो इसके लिए अमेरिका दोषी नहीं हो सकता। बाइडेन सरकार को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जमकर कोसा और नीतियों पर सवाल उठाए। अमेरिका में तो सियासी घमासान मचा ही है। रूस जैसे देश भी अफगानिस्तान के हालातों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुलाए हैं, जिसके बाद वहां हालात खराब हुए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। मलबे में फंसे शवों को अब भी निकालने की कोशिश जारी है। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरते हैं और बचाव दस्ता मौके से दूर हट जाता है। किन्नौर में ऐसे हालातों के बीच मलबे में शवों की तलाश जारी है। देखिए कैसे ये शख्स रस्सी की मदद से नीचे उतर रहा है। एक हफ्ते पहले किन्नौर में इस जगह पहाड़ टूटकर एक बस और कई गाड़ियों पर गिर गया था। मलबे में कई लोग फंस गए थे। अब तक
24 शव निकाले जा चुके हैं। एक हफ्ते से चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फिलहाल कुछ और लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। ABP News आपको रखे आगे।